अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल, उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि बायोलॉजी से मुतालिक जितनी भी वीडियोज़ हों वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक सेल वॉल। सेल वॉल जिस तरह इसका नाम बताता है कि सेल की जो आउटर लेयर है, यानी जो दीवार है सेल की, उसे हम सेल वॉल कहेंगे। इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी 1665 में प्लांट सेल में इसको डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, यानी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाहर वाली जो दीवार है उसे हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल क्या होते हैं? एनिमल सेल में नहीं होता। वो किससे शुरू होते हैं? वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से शुरू होती है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, तो ये आउटर लेयर क्या है? ये सेल वॉल है, और ये वाली है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो एनिमल सेल जो होती है वो इससे डायरेक्ट शुरू होती है, उसमें ये वाला सेल वॉल नहीं होता, वो इस सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट शुरू होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वो किस में होते हैं? प्लांट सेल में होता है। आल्सो प्रेजेंट इन फंजाई एंड बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल सेल, इसके अलावा ये फंजाई और बैक्टीरियल सेल में भी मौजूद होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। सेल वॉल की भी मजीद कुछ हिस्से होते हैं, जिस तरह मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल होता है। तो मिडल लमेला क्या है? ये सेल वॉल की जो प्राइमरी वॉल होती है उसकी बाहर ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये मिडल लमेला है। ये मुख्तलिफ सेल्स को आपस में जोड़े रखता है, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ सेल जो होते हैं उसके दरमियान मौजूद होती है। तो ये दो सेल दिखाए गए हैं, इसमें ये जो जगह है इसे हम क्या कहेंगे? मिडल लमेला कहेंगे। इसके अलावा सेल वॉल के क्या होते हैं? एक प्राइमरी वॉल होती है जो सुर्ख किस्म की दिखाया गया है, ये प्राइमरी वॉल है। इसके अलावा सेकेंडरी वॉल भी होती है सेल वॉल में, ये जो ब्लैक कलर की दिखाया गया है ये सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल से थोड़ी सी थिक होती है। इसके अलावा सेल वॉल में क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये सेल वॉल में पोर्स होते हैं यानी सुराख होते हैं, ये जो सुराख हैं ये और ये, तो ये क्या है? ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ये मुख्तलिफ मटेरियल की यानी ट्रांसफॉर्मेशन सेल में ट्रांसपोर्टेशन करती हैं आउटर और इनर की तरफ। ये जो दिखाया गया है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। और ये जो है ये न्यूक्लियस दिखाया गया है। तो सेल वॉल किस पर मुश्तमिल होती है? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लमेला, इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा। ये सेल वॉल के कुछ हिस्से होते हैं जो इसके साथ मौजूद होते हैं। कंपोजिशन, इस सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? तो जो प्लांट सेल वॉल होता है वो किससे? सेलुलोज से बना होता है, जो कि क्या है? पॉलीसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल वॉल वो किससे बना होता है? वो म्यूरिन से बना होता है, उसे पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। इस म्यूरिन क्या होता है? इसमें ये भी पॉलीसेकेराइड है यानी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके साथ कुछ अमीनो एसिड भी होते हैं। और फंजाई सेल वॉल किससे बना होता है? वो काइटिन से बना होता है, ये भी असल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके साथ कुछ और कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। अब हम सेल वॉल की फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट, यानी ये सेल को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन भी देते हैं सेल को, मुख्तलिफ इंजरीज और पैथोजन वगैरह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ चीज़ों की स्टोरेज भी करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कम्युनिकेशन मुख्तलिफ सेल के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन में भी मदद देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेल वॉल के बारे में। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।